दोस्तों स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। देखिए सीआरपीएफ में टेट टेक्निकल और टेट्स मैन की 9360 वैकेंसी आई हुई है। उसी से रिलेटेड मैं एक नई वीडियो इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है नहीं हुआ, किसका रिजेक्ट हुआ है किसका एक्सेप्ट हुआ है, क्या स्टेटस चेक कर सकते हैं और किस तरह से स्टेटस चेक करा है, क्या सीआरपीएफ ने कोई पॉपअप विंडो जो है ऑन किया उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे आपकी एग्जाम डेट। आपको पता है एग्जाम डेट 1/7/2023 से 13/7/2023 तक की अनाउंस कर दी गई है, वो चेंज होने वाली है। क्या वो चेंज होने वाली है, अब एग्जाम कब होगा, क्या नोटिफिकेशन जो डेट दी थी वो गलत दी थी, क्या दिया था, सारा कुछ सारा बताने वाला हूं। साथ ही साथ बताएंगे आपके फोटो के ऊपर जो आपने डेट डाली थी ना, अगर आपने नहीं डाली है तो फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। आपका फादर नेम, मदर नेम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये बहुत सारी चीजें जो आपसे मिस हो गई है, फॉर्म गलत हो गया है तो क्या उसको सबमिट करेक्ट करने का ऑप्शन आने वाला है। बहुत सारी चीजें इसमें आपको कॉन्स्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन सीआरपीएफ में बताने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। आज हम बात करने वाले सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन पायनियर 2023 की भर्ती की बेस्ट गाइड बुक के बारे में, जो कि निकल कर आई है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। यहां पर आपको 2800 प्लस बहुविकल्पीय प्लस मिलेंगे, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित आपको मिलने वाली है। तो अच्छी बुक है, अगर आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल पायनियर की वैकेंसी देखते हैं तो इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं तो इसको भी परचेस कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप सिंपली इनको परचेस कर सकते हैं। कि अभी तक नोटिफिकेशन में तो यही डेट आई है कि अभी एडमिट कार्ड आपका 26 से स्टार्ट हो जाएगा और एग्जाम जो है आपका 1/7/2023 से 13 तारीख तक चलने वाला, तो ये आपका एग्जाम डेट है नोटिफिकेशन के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं लगता, जो मुझे पता चला है, जो मैंने अपने दोस्त से बात की है, कि ये डेट चेंज होने वाली है। अभी तक जो पता चला है कि ये डेट जो है 5 से 7 महीने आगे खिसकने वाली है। इस डेट पर मुझे लगता नहीं कि ये एग्जाम हो पाएगा, तो अभी तक तो ये है कि भाई ये डेट यही है, अपना इसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन जो सूत्रों के हिसाब से जो मेरे दोस्त बता रहा था कि इस डेट पर एग्जाम होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या रीजन है उसने नहीं बताए हैं। जैसे ही कुछ कन्फर्म होता है मैं आपको कन्फर्म करने की कोशिश करूंगा। तो मैं फिर बता दूं कि ये डेट अभी तक के लिए 100% है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही आया हुआ है, हमारे पास ऑफिशियली कुछ नहीं है, तो इसको 100% मानते हैं। लेकिन जो पता चल रहा है कि 5 से 7 महीने आपका आगे खिसकने वाला है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाली जो वैकेंसी है 9360, तो कंफर्म हो गया है। लेकिन एडमिट कार्ड 26 से आएगा, तब पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज मैं बता दूं कि आपके फॉर्म का स्टेटस कब से चेक कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं। तो देखिए सीआरपीएफ ने अभी तक कोई भी ऐसा कॉलम नहीं दिया है, कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया कि आप अपना जो फॉर्म का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। अभी कोई भी एक्सेप्ट हुआ है आपका फॉर्म, रिजेक्ट हुआ है या किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, कहीं भी कोई भी ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप इसको चेक कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप फिर एज्यूम कर सकते हैं कि भाई मेरा रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। कैसे, अगर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वहाँ पर लिखा था कि आपके जो फोटो है फोटो के ऊपर डेट डालनी पड़ेगी कि भाई आपका फोटो कब का है, साथ ही साथ कि 3 महीने 6 महीने पुराने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी थी, तो इस वजह से कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। मेरे भाई किसी का भी फॉर्म इस तरह से रिजेक्ट नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, अगर आपके फोटो आपने कैप के साथ लगाया हुआ है या आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा है या साइन ही नहीं दिख रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैंसिल होने के 60% चांसेस है कि कैंसिल हो जाए, और होता ही है अधिकतर। अगर आपका चेहरा नहीं दिख रहा, कैप लगा के आपने फोटो खिंचाया, तो उस कंडीशन में आपका रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपके फादर नेम में गलती है या आपके डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th मांगी है, आपने ग्रेजुएशन डाल दिया या बीए बीएससी या आपने 12th डाल दिया है, मिनिमम 10th अगर आप पास हैं और ऊपर की आपकी गलत हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। किस तरह से बदलाव कराने पड़ेंगे, देखिए जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे वहां पर तो आपको एफिडेविट लेकर जाना होगा कि भाई मेरे साथ जब मैंने फॉर्म भरा तो मेरे साथ यही दिक्कत आ गई थी, अब मैं इसको करेक्शन कराना चाहता हूं। तो वो जहां पर वहां पर इन्विजिटर होंगे, जो वहां पर देखने वाले चेक वाले होंगे, वो भी यार ह्यूमन है, वो भी आपको फुल सपोर्ट करेंगे, वो जहां तक आपका होगा वो एक्सेप्ट करेंगे, बशर्ते जब ब्लेंडर मिस्टेक हो जाती है, जब उनको लगेगा कि भाई यही हमारे सर से भी ऊपर निकल गई है। मान लीजिए आपने आप रहते कहीं अलग हैं, आपने फॉर्म कहीं अलग से डाल दिया है या कुछ अननेसेसरी आप क्लेम लेना चाहते हैं, आप एससी में हैं नहीं ओबीसी में और एससी के फॉर्म भर के आप लेना चाहते हैं, या आपके किसी फॉर्म में इतना ब्लेंडर मिस्टेक है कि भाई आपने 10th ही नहीं की है और आपने डाल दिया है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो
कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। अदरवाइज हर कोई ऐसा नहीं है कि यार आपने हल्की से कोमा नहीं लगाया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, आपने थोड़ा बहुत इधर कर दिया आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कोई नहीं करता है। किसी भी भर्ती में नहीं आपने देखा होगा, एक्सेप्ट कर लिया जाता है क्योंकि उनको पता है कि यार कोई भी भर्ती है कम से कम 3-4 साल 5 साल बाद निकलती है, पूरी होती है, बच्चा मेहनत करता है तो सब आपको फेवर करते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर ब्लेंडर मिस्टेक है तो भाई कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर छोटी मोटी गलती है, माँ बाप के उसमें है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, फोटो थोड़ा बहुत है, तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये कब पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है? ओनली ओन या तो कोई विंडो ओपन कर देंगे, पॉपअप खुल जाएगा, या फिर जब एडमिट कार्ड आएगा, और अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तभी आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। बाकी किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। एग्जाम डेट जैसा कि मैंने बताया 1/7/2023 से 13/7/2023 तक अभी तक के लिए यही कन्फर्म है, इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। पेपर जो आएगा आपका वो ये बेसिकली आपका 10th से है आपकी वैकेंसी, तो मुझे लगता है कि वो सारी वैकेंसी मैंने भी ऐसी देखी कि 10th लेवल से होती तो है लेकिन थोड़ा सा उनका लेवल अप हो जाता है, लेकिन ये मुझे लगता है कि CRPF टेक्निकल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है, चाहे वो कुक हो, बटर कैरियर हो या दूसरी कोबलर हो, ये मुझे लगता है कि 10th के लेवल की है और उसी लेवल का आपका सिलेबस आने वाला है। तो उसी तरह से आपको तैयारी करनी होगी जिससे कि आप सिक्योरली अपना नंबर वहाँ पर फर्स्ट पोजिशन में देखने को मिल जाए, या फर्स्ट लिस्ट में जो आएगा आपका नंबर आ जाए, सिलेक्शन आपका हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।